हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वॉल। टैरो कार्ड के रहस्य में देने फ्रेंड्स सेगिटेरियस का निकाल रहे हैं धनु राशि। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या हो रहा है, आपका अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या होने वाले लव लाइफ में, आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है उसका निकाल रही हूँ। आपके लव लाइफ का पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स। सेगिटेरियस, आपने अभी तक बहुत पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, पास्ट का बता रही हूँ। हर जगह आप पेशेंस ही रखते हो, हर काम में बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपने, और जिस वजह से आपको लव लाइफ में विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बहुत पूजा पाठ करते हो, जो जो चीज़ बताता है वो चीज़ कर लेते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस वजह से आपका बुद्धि दिमाग सब एक्टिव हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ एक्टिव हो रहा है आपका। किसी का इंतज़ार कर रहे हो आप, किसी को बहुत प्यार करते हो, देखो मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो वो भी इंसान आपको याद कर रहा है, और आप वो चाह रहा है कि आप उसको यानी कि कुछ ना कुछ कॉल करो या कुछ ना कुछ, ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंस तो अपनी लाइफ में जी भर के रख रहे हो कि ऐसा होगा तो ज़रूर होगा, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया, ठीक है, और विक्ट्री के नीचे ही आया सेकंड चक्र, एंड टेंपल के नीचे आया है फर्स्ट चक्र, सिक्स चक्र, एंड चक्रास आपके जो भी बॉडी में जो भी होता है परेशानी वो चीज़ ठीक हो रही है आपकी, ठीक है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा था वो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है आपका। किसी का वेट कर रहे, बहुत पेशेंस रखा था, किसी का वेट कर रहे तो ऑफर आएगा ही आएगा, विक्ट्री मिल रही है आपको, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप हैंग्ड हैं, फिलहाल हैंग्ड हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। बहुतों का बहुत एस हो चुका है लव लाइफ में, बहुत अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, ऐसा फील करते हो कभी कभी आप, आपको लग रहा है बहुत लेट हो रहा है मेरी मैरिज में, या कुछ भी ऐसा सोच रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कोई अकेलापन फील करते हो आप लोग कुछ समय से, बहुत कुछ ज़्यादा ही है। किसी किसी का हार्ट ब्रेक हो रखा है, टूट चुका है यानी पास्ट में, ऐसा लग रहा है, और अभी भी इनडिसीजन हो रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करूँ और क्या नहीं। लास्ट 9 मंथ से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो आप लोग, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या डिसीज़न लूँ, ये सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा, ऐसा फील कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं उसके बाद। और बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने लाइफ में फिलहाल, ठीक है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक हो, पास्ट में किसी का हार्ट ब्रेक हो रखा है पास्ट में अभी तक, अभी और प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत कोई है जो इनडिसीजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लंबे टाइम से सोचे ही जा रहे हो क्या होगा क्या नहीं, और फिलहाल बहुत कोई अकेलापन फील भी कर रहे हो, अकेले हो भी, ठीक है, बट फ्यूचर में आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड भी आया, वर्ल्ड का कार्ड आया है, और एक अगर आप नया चाह रहे हो अपने लिए, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई नया यानी जिसका हार्ट ब्रेक हो गया, इन डिसीजन हो रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, कोई मिलेगा मेरे जैसा या नहीं, ऐसा फील कर रहे हो सेगिटेरियस, तो आपको ज़रूर मिलेगा आपके जैसा ही इंसान। देखो जजमेंट का कार्ड आया, ठीक है, इनकेस अपने तरीके से देखें, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई नया चाहिए, ठीक है, नए रिश्ते में बनना चाहिए, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि रिश्ते में आप बंधोगे और आपको एक तरफ जजमेंट है। मनी प्रॉब्लम इनकेस किसी का चल रहा था या कुछ भी ऐसा चल रहा था, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर मैरिज में ये प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से, जॉब को लेके, करियर को लेके कुछ इस वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि जजमेंट अब आपकी तरफ है, फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इम्पेशेंस कभी कभी हो जाते हो आप कि पेशेंस बहुत रखा है, फिर आपको अंदर से कभी कभी गुस्सा आता है, कभी आप सोचते इतना पूजा कर रहा हूँ, इतना भगवान को मैं प्रे करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं। प्रेयर का कार्ड भी मैंने बोला, प्रेयर का कार्ड भी आया आपका, लेकिन इस वजह से कभी कभी इम्पेशेंस हो जाता है ना, और कभी कभी गिल्ट भी फील करते हो, क्यों ऐसा हुआ, नहीं करना था मुझे, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं बोलना था, इनसिक्योर फील कर रहे हो, मैंने बोला ना कुछ तो फील कर रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो अभी फिलहाल, सिचुएशन आपकी कन्फ्यूजन वाली चल रही है फिलहाल। चलिए फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में क्या करोगे आप, है ना सेजिटेरियस, फ्यूचर में आप क्या करोगे।
फ्यूचर में बहुत आराम से रहने वाले। गॉसिप करो, गॉसिप कौन करता है, जो बिल्कुल रिलैक्स होता है ना। गॉसिप करोगे, परफेक्शन आ रही है आपके लाइफ में, डिस्कवर हो रहे हो यानी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, एनलाइटमेंट हो रही है आपके लाइफ में, कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। सर्विस का कार्ड आया, कुछ ना कुछ अगर आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको सर्विस की ज़रूरत है, मतलब है कि आपकी सहायता की ज़रूरत है, किसी को ऐसा लग रहा है किसी को हेल्प की ज़रूरत है आपकी, आप उनको हेल्प करेंगे। अकेलापन तो फील करते हो लेकिन वो समय ख़त्म हो रहा है आपका, और किसी ना किसी को ग्रेटिट्यूड भी मिलने वाली मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव ज़रूर रहें आप, फ्यूचर ब्राइट है आपकी, फ्यूचर में बहुत एंजॉय भी करोगे, गॉसिप कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, विक्ट्री है आपके लाइफ में। जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो, बिल्कुल होगा। देखो शेयरिंग, मैंने बोला ना सर्विस एंड शेयरिंग, किसी को आपकी ज़रूरत पड़ रही है कुछ समय में, आप उसको हेल्प ज़रूर कर देते। ठीक है, और देखो उड़ान, ऊँची उड़ान भरने वाले हो जीवन में, खुद ब खुद अंदर से बहुत लड़ाई झगड़ा कुछ ना किसी किसी का हुआ है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, आपके गॉड आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। और आपके अंदर मन में कभी कभी गुस्सा आता है कि बदला ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना, मन में आता है। तो आप लेकिन ट्रस्ट रखे हुए हो कि मेरे साथ ज़रूर अच्छा होगा, तो अच्छा होगा ही होगा। एलोन कभी कभी अकेलापन भी फील करते हो, खुद को हील भी करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरीके से आप सब चीज़ को करते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मैंने निकाला था और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे ही होंगे। क्योंकि देखो मैंने पहले बोला कि जो नया चाह रहे हैं, देखो रीबर्थ का आ रहा है। ठीक है, जिनके लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया और अब नया कुछ सोच रहे थे, ऐसा कुछ था किसी का, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि रीबर्थ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आपको अब समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, किसके साथ मैरिज करनी, क्या करना है आपको, क्योंकि आपका अब दिमाग में एक्टिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है आपका इसीलिए। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप गॉड पर बहुत बिलीव रखते हो और आप प्रेयर बहुत करते हो। चार कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है, फोर कार्ड्स निकालूंगी और आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। ऑनेस्ट बहुत हो आप सेगिटेरियस, आप ऑनेस्ट बहुत हो, फर्स्ट कार्ड ही आ गया यानी ऑनेस्टी का, आप इसलिए ऑनेस्ट हो इसलिए गॉड आपको साथ दे रहे हैं, विक्ट्री मिलेगी फ्यूचर में। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, मैंने कहा दरवाज़ा खोल रहे हैं, वो दरवाज़ा फ्यूचर में खुलने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, पैसों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ये भी मैंने पहले कहा, वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी पैसे की फाइनेंस की कुछ जॉब चल कुछ भी ऐसा चल रहा था, इस वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था वाइफ हस्बैंड में, हस्बैंड वाइफ में, तो उनके लिए मैं कहूँ कि आपका फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है और ब्लेसिंग्स आपको आपके गॉड आपको चारों तरफ से दे रहे हैं। क्योंकि देखो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, आपने जो भी अच्छे कर्माज किए हैं और किए ही हैं आपने, कार्ड्स आए हैं, आपने अच्छे कर्माज किए वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप, ठीक है, ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको मिल रहा है और हर चीज़ जजमेंट आपके तरफ है, जजमेंट। अकेलापन जरूर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ बहुत ज़्यादा है अकेला, यानी कहते हो कब मैं अकेला, यानी कब कौन मुझे मिलेगा, कब मिलेगी, ऐसा कुछ फील कर रहे हो, है ना, सब होगा ऐसा लग रहा है, और जैसे आप हो वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, मिलेगा मिलेगी, और ख़ुद को एक्सपेंस भी कर रहे हो, आपको एक्सपेंड भी कर रहे हो, कन्फ्यूज हो थोड़ा बहुत अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, पास्ट में किसी किसी का हार्ट ब्रेक हो रखा है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगी आप लोग की तरफ विक्ट्री है, गॉड आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आप लोग ऑनेस्ट बहुत हो, दरवाज़ा खोल रहे हैं, अपने आईक्यू लेवल को तेज करें और अपने दिल से दिमाग दोनों ही को सोच रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों से सोच के काम को करें। ठीक है, पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि किसी और का भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।